लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने बजट में जो सब्सिडी की रकम का आवंटन किया था वो करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तो इसका मतलब ये है कि ये रकम करीब करीब दोगुनी हो सकती है। हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि सरकार फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से जो मांगे की गई हैं उसमें उस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। करीब करीब 2 बार कैबिनेट ने जो है करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी जो है वो दे चुकी है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं रॉ मटेरियल्स की, उसका असर साफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है और सरकार जो है सेफ साइड अतिरिक्त सब्सिडी का आवंटन जो है वो कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2 तरह की सब्सिडी सरकार देती है। एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है जैसे डीएपी जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है सब्सिडी अमाउंट का, और एक यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है जो कि वेरिएबल अमाउंट होता है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि संसद के चालू सत्र में ही जो सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश किया जाएगा उसमें यह अतिरिक्त रकम जो है फर्टिलाइजर मंत्रालय के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगी और इसके लिए जो ग्रांट की जो मांग है वो संसद के इस मौजूदा सत्र में ही उसको वहां पे संसद में पेश किया जाएगा। शुक्रिया प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखिए, आज चंबल फर्टिलाइजर तकरीबन 8% ऊपर है, इसके अलावा और नेशनल फर्टिलाइजर में 7% की तेजी है। सौरभ आपसे समझना चाहेंगे, इस पर एक राय दीजिए, फर्टिलाइजर वाला जो स्पेस है आज बजिंग है और जब भी खबरें आती हैं इसमें हम